देखिए, जस्ट इन केस आप लोग सोच रहे हैं कि चेहरे जो टेलीविजन पर मुस्कुराते हुए दिखते हैं हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ऐसा होता नहीं है। कभी घर में हमें देखिए, महाभारत जो है वो उसके सामने फीकी पड़ जाती है जब भाई बहन के झगड़े होते हैं। क्या कहते हैं, मैंने सही कहा कि गलत कहा? मेरी बड़ी बहन है, मुझसे 5 साल बड़ी है। अभी तो वो इंडिया में नहीं रहती, अमेरिका रहती है। बट मुझे याद है जब हम स्कूल में, वो मुझसे ऑब्वियसली बड़ी थी तो रोब बहुत झाड़ती थी, तो हमारा बहुत झगड़ा होता था। और झगड़ा हमेशा, जब तक पापा नहीं एंट्री मारते थे तब तक हमारी लड़ाई कभी नहीं। यहाँ पे तो एक बड़ी और मतलब एक छोटा भाई भी है। बड़ी बहन है, छोटा भाई है। और हमारी बचपन में लड़ाई इस बात को लेकर रहती थी कि स्कूल जाने का टाइमिंग तीनों का एक था और एक ही स्कूल में जाना होता था। तो मैं सॉक्स और शूज पहन के घर के सबसे बाहर होती थी और बाकी दोनों के गायब होते थे। तो उनका कहना होता था कि तूने हमारे सॉक्स पहने, तो लेकर लड़ाई होती थी। तो यानी कि महाभारत की शुरुआत देखिए हर घर में होती है, उस दौर में तो हुई ही थी। तो महाभारत तो वैसे गुम है, किसी के प्यार में भी हो रही है। और मजे की बात यह है कि इनकी महाभारत ना घर की चौखट पर होती है। कैसे, जरा देखिए एक नजर। पाखी ने बड़े प्यार से इस संडे का मेन्यू बना रखा था, लेकिन उसे क्या पता था इस संडे का मेन्यू तो पहले से ही इस सही तैयार कर चुकी है। चौहान निवास है, यहाँ पर जो भी होता है ये खुले आम होता है। फिर चाहे किसी की बर्बादी हो, ये किसी पर आरोप लगाना हो, या फिर ये कोई आने वाला हो इसकी खबर देनी हो। वालों के सामने यहाँ पर हर किसी बात पर ड्रामा होता है, तो देखिए आज भी ड्रामा हुआ। और हमेशा की तरह इस ड्रामे की कर्ता धर्ता कोई और नहीं बल्कि सई बनी। अब ये तो 100% सच बात है कि जब सई बोलती है तो सबकी बोलती अपने आप बंद हो जाती है। उसने घर में आज देवयानी ताई और पुलकित सर को इनवाइट किया है। अब शादी के बाद उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला अपने घर वापस आने का, तो लीजिए ये मौका दे दिया सई ने। देवयानी और पुलकी चौखट पर आए और उन्हें देखकर घर वालों के चेहरे पर तो 12 बज गए। अब आज के एपिसोड में इन्हें देखेंगे, कल के एपिसोड में चौखट पर ही सारी महाभारत शुरू होगी। फिर जाकर 2-3 एपिसोड के बाद ये घर के अंदर आएंगे और उसके बाद जिस मकसद से आए हैं यानी कि खाना खाने के लिए, वो नज़ारा तो भाई लगता है अब 2-3 दिनों बाद ही देखने मिलेगा। अब क्या है ना, ऐसा होना इस सीरियल के लिए अब आम बात हो गई है। यही तो होता है, सोमवार को जो ट्रैक शुरू होता है शनिवार तक चलते ही जाता है। लेकिन अब क्या करें, दर्शकों को ऐसा ही देखना पसंद है, सो राइटर ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि सीरियल भले ही नंबर 1 हो गया हो, लेकिन कहानी में अभी भी लोग चाहते हैं पाखी विराट सई इन तीनों के बीच ही ट्रैक रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।